पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के पीतल उद्योग में मालिकों द्वारा मजदूरों पर किए जा रहे जुल्म और ज्यादतियों के बारे में हम श्रम विभाग और जिला प्रशासन को लगातार अवगत कराते रहे। कानून के अनुसार मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं भी मालिक देने को तैयार नहीं है। इन्हीं सवालों को लेकर हमारी यूनियन ने 29 सितंबर को पीतल उद्योग में एक दिन की हड़ताल बुलाई थी। 28 सितंबर को जिलाधिकारी ने विषय में हस्तक्षेप करते हुए त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने के आदेश दिए। जिलाधिकारी के आदेश से उपशामायुक्त ने हमसे हड़ताल स्थगित करने की अपील की। ऐसी स्थिति में हमने हड़ताल स्थगित कर दी। ADM महोदय के नेतृत्व में वार्ता बुलाई गई। वार्ता में श्रमिकों के प्रतिनिधि नहीं आए। ADM सिटी महोदय ने श्रम कानून उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट फैक्ट्री का नाम बताने को कहा। हमने फैक्ट्रियों के नाम बताए, उनमें प्रिंसा भी शामिल है। पिछले 3 महीने में इन मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज भी प्रिस्मा के सैकड़ों महिलाओं से 10 घंटा प्रतिदिन काम लिया जा रहा है और 5,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। जब इन महिलाओं ने मालिकों से कानून के अनुसार काम लेने और मजदूरी देने की बात की तो इन्हें अपशब्द बोले गए, अपमानित किया गया और काम से निकाल दिया गया। हमने इसकी शिकायत उपशामायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय से भी की। जिलाधिकारी महोदय ने 30 नवंबर 2018 को उपशामायुक्त महोदय को और हमें अपने कार्यालय बुलाया। हम गए लेकिन जिलाधिकारी और उपशामायुक्त नहीं थे। हम इंतजार करके वापस आ गए। जिलाधिकारी महोदय से मिले, उन्होंने हर हाल में DLC को जांच कराकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा, लेकिन अभी तक किसी कार्यवाही की हमें जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी साथी महिला श्रमिक आमरण अनशन को विवश हुई है। पीतल उद्योग में काम करने वाले सभी मजदूर भाइयों से अपील है, अपनी बहनों के संघर्ष को हर तरह से सहयोग देकर उन्हें न्याय दिलाएं और पीतल उद्योग में श्रम कानून लागू कराएं। ये अनशन जो है, ये मुख्यतः 5 महिला श्रमिक जिनको काम से गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया, सिर्फ ये इल्जाम है उनके ऊपर कि उन्होंने कानून के मुताबिक वेतन और कानून के मुताबिक काम करने की बात कही मालिक से। इस बात से नाराज होकर मालिक ने उनको अपशब्द बोले और काम से निकाल दिया। इसकी शिकायत उन लोगों ने माननीय जिलाधिकारी DLC सबसे की, लेकिन पिछले 1.5 महीने से इधर से उधर घुमाते रहे और कोई भी ठोस कदम उन लोगों ने नहीं उठाया। इतना ही नहीं, इससे पहले लगभग 3 महीने पहले यूनियन की तरफ से, पीतल मजदूर यूनियन की तरफ से एक शिकायत की गई थी कि मुरादाबाद के पीतल उद्योग में श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ADM साहब ने हमसे खुद कहा था, हम भी उस वार्ता में थे, कि भाई आप फैक्ट्री का नाम बताओ। हमने 3 फैक्ट्री के नाम बताए, उसमें प्रिस्मा भी एक नाम था। और आज तक प्रिस्मा में उसी तरीके से 10 घंटे काम लिया जा रहा है कानून के खिलाफ। पूरा देश का, दुनिया का कानून है कि 8 घंटे काम लिया जाएगा। 8 घंटे से ज़्यादा काम लेंगे तो ओवर टाइम देंगे। 10 घंटे काम लिया जा रहा है और पैसे दिए जा रहे हैं मात्र 5,000 रुपये महिलाओं को। इस बात को लेकर ही महिलाओं ने कहा था कि साहब हमसे 8 घंटे काम ले लो और कानून के मुताबिक जो पैसा वो दे दो ना। वो पैसा देने की उसकी बात तो दूर, उनको काम से निकाल दिया। और इसको लेके उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को भी गुहार लगाई थी कि साहब इसे इस तरीके से हमें निकाल दिया, आप इसमें हस्तक्षेप करो, नहीं तो हम जिलाधिकारी के समक्ष बैठ के अपनी जान दे देंगे। उसी क्रम में लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए। कोई अधिकारी सुध लेने के लिए नहीं आया अभी तक, किसी भी तरह का कोई पहलकदमी प्रशासन की तरफ से नहीं हुई। और हम लोगों ने तय किया है कि अगर प्रशासन इसी तरीके से बैठा रहेगा इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। कल को एक बहुत विशाल सभा यहाँ पे होगी 12 बजे और उसमें हम आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। योगी जी को तो हम सूचना पहले ही दे चुके थे कि महिलाओं ने गुहार लगाई थी योगी जी को, और योगी जी अगर जरूरत समझते तो खुद भी आ सकते थे, पूछ सकते थे। पूछा या नहीं पूछा हम जानते नहीं क्या किया उन्होंने। बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है, उसी का फायदा उठा के ये जो है मालिक लोग जाति कर रहे हैं।